नमस्ते दोस्तों, मुक्केबाजियों में आपके नकल पे चोट आने से सेजिटल बैंड रप्चर नाम की तकलीफ हो सकती है। जब मुक्केबाज इस तरह से पंच करते हैं और ये किसी हार्ड सरफेस पे टच करता है तो, और दूसरे स्पोर्ट्स में भी हो सकता है परंतु मुक्केबाजी में ज़्यादा देखने को मिलता है। आमतौर पे जो मिडिल फिंगर होती है, आपकी बीच की जो फिंगर होती है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। आमतौर पे हमने देखा है तो 48% केसेस में बीच की फिंगर इन्वॉल्व होती है, करीबन 14% केस में इंडेक्स फिंगर मतलब ये वाली फिंगर इन्वॉल्व होती है, आपकी जो रिंग फिंगर होती है वो करीबन 7% केसेस में, और आपकी जो छोटी उंगली है ये करीबन 31% केसेस में देखी जाती है। यह तकलीफ क्यों होती है? जब आप पंच करते हैं किसी को, इसको हिट करते हैं, तो आपकी जो उंगलियों के नकल होते हैं वहाँ पे आपकी जो एक्सटेंसर बैंड होता है, एक्सटेंसर टेंडन होती है, उसके दोनों ही तरफ सेजिटल बैंड होते हैं। यह सेजिटल बैंड एक्सटेंसर टेंडन को दोनों तरफ जोड़ता है, वोलर प्लेट से लेके और ऊपर तक। तो ये जो एक्सटेंसर टेंडन होती है ये दोनों तरफ जो है वो जोड़ देती है, और जब ये एक्सटेंसर बैंड टूटता है तो आपका न सिर्फ जो है उंगली का सीधा होना मुश्किल हो जाता है बल्कि उंगली एक तरफ शिफ्ट भी हो जाती है। तो देखिए, दो एक्सटेंसर बैंड होते हैं, एक अंदर की तरफ होता है जिसको अल्नर बैंड कहते हैं और एक बाहर की तरफ होता है जिसको रेडियल बैंड कहते हैं। आमतौर पर 90% केसेस में रेडियल सेजिटल बैंड टूटता है, 10% केस में अल्नर मतलब अंदर वाला बैंड टूट सकता है। जब बाहर वाला बैंड टूटता है जिसको रेडियल बैंड रप्चर बोलते हैं, तो आपका जो एक्सटेंसर टेंडन होता है वो अंदर की तरफ अल्नर वर्ड्स शिफ्ट हो जाता है। अगर आपका जो एक्सटेंसर टेंडन है वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया है तो क्या होगा कि जब आप देखेंगे मरीज को तो उसके उंगली में नकल पे सूजन आएगी, जो उंगली है वो एक तरफ मुड़ गई होगी और हाथ की उंगली सीधा करने में भी आपको तकलीफ हो रही होगी। जैसा कि मैंने बताया, एक तो ये तकलीफ बॉक्सर्स में देखने को मिलती है, दूसरे स्पोर्ट्स में भी देखने को मिलती है, और दूसरा हमने कई बार देखा है कि जो जिन मरीजों में एक्सटेंसर टेंडन वीक हो जाते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया बाह्य की तकलीफ है या और किसी कारण से हाथों और जोड़ों में सूजन आ रही है, तो भी ये तकलीफ साइनोवाइटिस में किसी भी कारण से देखने को मिल सकती है। यह तकलीफ आप अगर कलाई अंदर की तरफ मोड़ते हैं तो ज़्यादा देखने को मिलेगी, अगर कलाई सीधी रखते हैं तो फिर भी आपको डिसलोकेशन उतना पता नहीं पड़ेगा। रायन एंड मूरे ने इसको 3 तरह की तकलीफों में क्लासिफाई किया है। पहली तकलीफ में जो सेजिटल बैंड है वो फट जाता है परंतु टेंडन अपनी जगह पर रहता है। दूसरी टाइप में जो एक्सटेंसर टेंडन है वो थोड़ा सा खिसकता है, और तीसरी टाइप में काफ़ी ज़्यादा खिसक जाता है। आमतौर पर यह तकलीफ एक स्प्लिंट में, एक हम एक पट्टा बांध के ठीक कर सकते हैं, आपके हाथ को सीधा का सीधा बांध दिया जाता है। ये 4 से 6 हफ्ते तक आपके उंगली मतलब जो MCP जॉइंट होते हैं उसको सीधा एक्सटेंशन मतलब हाथों को सीधा रखने की आवश्यकता होती है, और जो बीमारी जो आपका टेंडन होता है वो अपनी जगह पे बैठ जाता है। आमतौर पे बैंड रप्चर होने के कारण जो टेंडन है वो इंटर मेटाटार्सल ग्रूव में शिफ्ट हो जाता है, तो उसको बैठाने के लिए सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया कि अच्छे से हाथ को सीधा करके एक बेल्ट बांध दें या स्प्लिंट कर दें, वो सबसे अच्छा तरीका होता है। परंतु अगर तकलीफ ज़्यादा है, अगर तकलीफ बेल्ट लगाने के बाद भी ठीक नहीं हुई है, या फिर मरीज की डिमांड बहुत ज़्यादा है, एक प्रोफेशनल एथलीट है, तो ये सेजिटल बैंड को एक ऑपरेशन करके टाँके लेके रिपेयर भी किया जा सकता है। इसको कैटल क्लैंप प्रोसीजर बोलते हैं। कुछ मरीजों में इसको रिकंस्ट्रक्शन करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको बॉक्सर्स नकल है या बॉक्सिंग करने के कारण नकल में चोट आई है तो यह सेजिटल बैंड रप्चर हो सकता है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स पर लिख के भेज सकते हैं। हमारा चैनल एडवांस हॉस्पिटल्स जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।